हेलो फ्रेंड्स, माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे भी एजुकेटर, काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मुझे कोर्सेज देख सकते हैं और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, उसके बाद हम देखते हैं आज के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देर के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि पुलिस विभाग में हथियार देने का उद्देश्य क्या होता है। आपने देखा होगा जो कोई भी पुलिस अधिकारी होता है उसके पास में एक गन कोई भी हथियार के रूप में ज़रूर होती है, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? रौब बढ़ाना या आकर्षक दिखाना, आवश्यकता अनुसार स्वयं की या अन्य नागरिकों की रक्षा हेतु प्रयोग में लेना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उद्देश्य आप सभी को भी पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आवश्यकता अनुसार स्वयं की या अन्य नागरिकों की रक्षा हेतु इसे यूज में लिया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि आप अत्यंत लगन व मेहनत से कार्य करते हैं, परंतु आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको इसका श्रेय नहीं देते हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपके पास में कि कार्य में रुचि लेना कम कर देंगे, अपने मित्रों को भी कम रुचि से कार्य करने की सलाह देंगे, या विनम्रता पूर्वक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखेंगे, उसके बाद है न्यायालय में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप कई बार क्या होता है कि अपने से जो बड़े अधिकारी होते हैं, अपन कुछ नीचे पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, हम कितना भी अच्छा काम करें लेकिन फिर भी ऐसे कोई ना कोई कमियां निकालते रहते हैं। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा विनम्रता पूर्वक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखेंगे। तो इसका सी जो तीसरा नंबर का आंसर है ये आपका सही हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, ट्रैफिक लाइट पर लाल बत्ती हो जाती है, तो आप लाल बत्ती को हरी होने तक रुकेंगे, या दाएं बाएं देखकर यदि ट्रैफिक की भीड़ कम हो तो निकल जाएंगे, अधिकारी को पूछकर निर्णय करेंगे, या बेरोक टोक चलते जाएंगे। हो सकता है कि आप एक वरिष्ठ अधिकारी की गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आपको लगे कि अधिकारी सर खुद हमारे पास में बैठे हुए हैं तो हमें ट्रैफिक पर रुकने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको बत्ती हरी होने तक रुकना चाहिए, क्योंकि नियम कानून जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, तो ये आपके पास सूटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि आपके द्वारा वाहन चलाते समय दुर्घटना घटित हो जाती है, यानी कि किसी का एक्सीडेंट आपके द्वारा हो जाता है, तो आप दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो जाता है, तो प्रथम आपका कार्य क्या होना चाहिए? आपकी जैसा भी हो, आपसे दुर्घटना घटित हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? आप वहाँ से भाग निकलें, या तुरंत पुलिस को सूचित करें, या घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल ले जाकर इलाज करवाएं, पुलिस थाने जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाएं। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में कि घायल व्यक्ति को सबसे पहले आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जा करके उसका इलाज करवाना चाहिए, और एक्सीडेंट चाहे आपसे ही हुआ हो, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता है। पुलिस विभाग द्वारा अलग से एक यातायात पुलिस विभाग की स्थापना की गई, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो यानी कि एक अलग से यातायात पुलिस की क्या की गई, स्थापना की गई है, नया विभाग बनाया गया है, तो इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? यातायात व्यवस्था को हर समय सुचारू एवं निर्बाधा बनाना, यातायात नियमों की पालना करवाना ताकि दुर्घटना घटित न हो, यातायात व्यवस्था में व्यक्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, और उपयुक्त सभी। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि एक कोई नए विभाग की स्थापना अगर की जाती है तो सारे काम उनके लिए सही है। इसके जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो सभी आपके पास में आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि बतौर पुलिस अधिकारी आप किसी मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के दौरान आपका रिश्तेदार दोषी पाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कई बार होता है ना कि पुलिस अधिकारी कोई मामले की जाँच करते हैं और उसका कोई फैमिली मेम्बर ही मिल जाता है दोषी, तो वो उसको बचाने की कोशिश करता है, ये क्या करना चाहिए आपके अनुसार? ये आपके पास ऑप्शन है, अधिकारियों से उसकी सिफारिश करेंगे, रिश्तेदार की चुपचाप मदद करेंगे, या आवश्यक अवकाश पर चले जाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि भाई इसको मेरे को अगर कुछ बोलना पड़े तो आप छुट्टी लेके चले जाएंगे, या नियम अनुसार अपना काम करते रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, जिस तरह से आप पहले काम कर रहे थे वैसे ही आपको अभी भी काम करना चाहिए,
ये नहीं सोचना है आपको कि वो आपका रिश्तेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, एक चुनाव बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, निम्न में से कौन सा कार्य पसंद नहीं करेंगे? वर्दी पहनना, राजनीतिक परिचर्चा, अफवाह का खंडन, शांति व कानून व्यवस्था का संचालन। तो कई बार होगा, आपने देखा होगा कि पुलिस कॉन्स्टेबल्स की क्या ड्यूटी लग जाती है, कहाँ पे सूचना, जो आपका चुनाव बूथ होता है, वोटिंग पोल, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास में क्या नहीं होना चाहिए आपके अंदर, अगर आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं तो। वर्दी पहनना है तो वर्दी आप चाहे पहनो ना पहनो कोई दिक्कत नहीं है। अफवाह का खंडन आपको बिल्कुल करना चाहिए, कोई अगर गलत अफवाह हो रही है। शांति कानून व्यवस्था का संचालन ये भी आपको करना है। राजनीतिक परिचर्चा आपको नहीं करनी है कि इस राजनेता को वोट दो, ये सब चीज़ें आपको शोभा नहीं देगी, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि पुलिस विभाग में महिलाओं की नियुक्ति से क्या होना चाहिए? तो विभाग की कार्यकुशलता घटेगी अगर महिलाओं की नियुक्ति हो जाती है तो। उसके बाद विभाग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है, गुमनाम शिकायतें बढ़ती हैं, पुरुषों के रोजगार अवसर कम हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभाग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है, तो इसका जो आंसर है टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि पुलिस की छवि के संबंध में आम शिकायत क्या रहती है? कि पुलिस कैसी है, पुलिस संवेदनशील नहीं है, पुलिस वाले मोटे होते हैं, उनकी वर्दी ठीक नहीं होती, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोचिएगा, उसके बाद इसका आंसर लगाइएगा। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है हो जाएगा कि पुलिस संवेदनशील नहीं है। आम बात ये रहती है कि पुलिस वाले सही तरीके से हमारे साथ व्यवहार नहीं करते, हमारे साथ तौर तरीके से बात नहीं करते, संवेदनशील नहीं है। बाकी ऐसी शिकायतें आपको अक्सर देखने को मिलती हैं, बाकी ये कोई शिकायतें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि आप और आपका भाई कोई परीक्षा की उम्मीदवार हैं, यानी कि कोई भी परीक्षा हो रही है, उसका आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप और आपका एक भाई एक दूसरे की परीक्षा मदद करेंगे या परीक्षा व शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे? शिकायत के डर से अलग अलग जिलों से फॉर्म भरेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऐसा होता है ना कि जैसे दो भाई हैं एक साथ काम कर रहे हैं दोनों, तो उनको लगता है कि हमारी कोई शिकायत करते कि दोनों भाई कुछ मिल के काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि परीक्षा शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई गलत नहीं साबित कर सकता, तो ये आपके पास सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि शारीरिक फिटनेस आवश्यकता है, ये क्यों आवश्यक है आपके लिए? तो इसमें आकर्षक दिखते हैं आप, स्वस्थ निरोग रहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, उपयुक्त सभी, तो आपकी फिटनेस के लिए ये सभी काम होने जरूरी हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसका क्या आशय है, यानी कि क्या मीनिंग होता है इसका? पुलिस में लंबे कद वाले लोग भर्ती होते हैं, कानूनी प्रतिक्रिया बहुत लंबी होती है, कानून से कोई बच नहीं सकता, या पुलिस का डंडा लंबा व तगड़ा होता है। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है कि कानून से कोई नहीं बच सकता, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अक्सर आपने ये कहावत सुनी होगी, तो इसका सही मीनिंग होता है कानून से कोई नहीं बचा सकता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपके पास में है, सम्राट अशोक के राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, इसका क्या आशय है? तो ये भी एक कहावत है कि शेर और बकरी में हमेशा आपने देखा होगा बैर होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, यानी कि वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो बकरी तो खैर क्या शेर की शत्रु रहेगी, लेकिन शेर जो होता है वो बकरी का शत्रु रहता है। तो इस कहावत का मतलब ये है कि अशोक के राज्य में क्या था कि एक ही घाट पे, यानी कि जहाँ बकरी पानी पीती थी वहाँ शेर भी पीता था। कहने का मतलब क्या था कि वो शेर था लेकिन फिर भी वो बकरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो इस कहावत का मतलब क्या होगा, अशोक के आदेश से शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, अशोक के राज्य में न्याय व्यवस्था उत्तम थी। तो ये आपके पास में सही हो जाएगा। बकरी शक्तिशाली जानवर थी, अशोक के शेर की सहकारी हुआ करता था, अशोक के समय शेर सहकारी हुआ करते थे। तो शेर होता है, कभी सहकारी नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अशोक के राज्य में न्याय व्यवस्था उत्तम थी, यानी कि कोई भी अन्याय नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि एक पुलिस कांस्टेबल होते हुए भी पुलिस व जनता का संबंध सुधारने हेतु आप क्या कर सकेंगे? तो जनता के साथ मित्रता का व्यवहार रखेंगे, ड्यूटी के दौरान मदिरा सेवन नहीं करेंगे, महिलाओं से
सव्यवहार पूर्वक आचरण करेंगे उपयुक्त सभी। तो पुलिस के और जनता के क्या सुधारने के लिए संबंध आपको क्या करने चाहिए, ये सभी कार्य करने चाहिए। जनता के साथ मित्रता का व्यवहार रखें, ड्यूटी के दौरान मदिरा का सेवन यानी कि शराब का सेवन ना करें, महिलाओं के साथ में अच्छा व्यवहार करें, तो ये आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा 4। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। ग्रामीण पलायनवादी होते हैं, शहर में रोजगार ज़्यादा है, ग्रामीण लोगों का मन गांव से नहीं लगता है, गांव में सुविधाओं की कमी है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, शहर में रोजगार क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ही लोग क्या करते हैं, गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। सो ये थे फ्रेंड्स आपके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइकोलॉजी से रिलेटेड जो आपके 82 टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को करें आप लाइक, साथ ही साथ इसे कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर, और चैनल सब्सक्राइब ने आपने नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन साथ में ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। ऐसे ही हम आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, तो आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सोन।